हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी, एक हम लोगों ने कैंपेनिंग चलाया है कि आप लोगों के द्वारा कैंपेनिंग चलाया गया, आप स्टूडेंट के द्वारा कैंपेनिंग चलाया गया, उसी को सपोर्ट करने के लिए आज पूरे भारत से लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने अपने और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हम आप लोग के सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं कि एसएससी डिक्लेयर द सीजीएल रिजल्ट, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कई सारे और बहुत सारे इशूज हैं जो लास्ट 7-8-10 सालों से हमने देखा है कि मार्केट में रेज हुए, स्टूडेंट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक तो पहले हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करेंगे क्योंकि कैंपेनिंग आप लोगों ने स्टार्ट करा। जैसे हम लोगों को पता है कि पहले, आज से पहले 7-8 साल पहले, कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल में अराउंड 20,000 वैकेंसीज आती थी सरकार में, 2011-12 की बात कर रहे हैं, और आज केवल 1200-1500-2000 वैकेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जीडीपी डाउन जा रहा है, भुखमरी की स्थिति आ गई, उसके बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं कोई स्टेप नहीं ले पा रही है। ऐसे कब तक कि हम लोग सहेंगे जो आज की यंग जनरेशन से इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, आफ्टर दैट व्हाट एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस। तो कहीं कब तक की ये बहुत ज्यादा एक आक्रोश लोगों के मन में बैठा हुआ है। कभी लोग सीजीएल की बात कर रहे हैं, जैसे अभी सीजीएल का बात करेंगे तो 2018 में जो फॉर्म आए थे, 18 के लिए फॉर्म उन्होंने मई 2018 में मांगे थे, उसके बाद उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का एग्जामिनेशन नवंबर 2019 में हो चुका है, अभी तक की रिजल्ट नहीं फाइनल दे रहे हैं। तो देख लीजिए, 2-2 साल 3-3 साल में बहुत सारी वैकेंसी हम लोग के देश में ऐसी जो एक साल में पूरी पूरी होती हैं, बट लेकिन मैक्सिमम जहां पर बल्क में रिक्रूटमेंट होता है वो अभी तक की 3 साल 3.5 साल तक की बच्चे लगातार पढ़े जा रहे हैं। छोटी छोटी जगह से बेचारे बच्चे आ रहे हैं, गरीब फैमिली से बच्चे आ रहे हैं, दे हैव टू बी स्पेंड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी, पैसा खत्म कर रहे हैं वो लोग, कोचिंग में पैसा खत्म कर रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं वहां पर पैसा खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे इंतजार करते रहते हैं कब एग्जाम आएगा। एग्जाम आता है तो बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद 2-2 साल 3-3 साल 4-4 5-5 साल तक की आप लोग रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कब तक की चलेगा, कितना मतलब आप लोग जैसे समझ लीजिए, ऐसे देश में अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर बच्चा पढ़ने को इच्छुक है, बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन एग्जाम दे रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहा है, हम एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, उसके अलावा ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं। आई मीन टीचिंग सिंस लास्ट 8-9 ईयर्स, तो कई सारे बच्चों के अलग अलग आक्रोश, कई सारे अलग अलग बच्चों के मन में भावना है कि सरकार सर, जैसे हम लोग हम अपना बता रहे हैं कि हम यूजीसी नेट की कोचिंग चलाते हैं, मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स एंड एचआरएम की, उसके अलावा मेरे साथ के और भी कई कलीग्स हैं जो नेट की कोचिंग में, टीटी कोचिंग में, सीटेट की कोचिंग में, हम टीचिंग से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज की तैयारियां कराते हैं। लेकिन उसमें तैयारी का फायदा क्या, हर साल आप देखिए कि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट उसका 5-5-10-10 साल की बात आते हैं। हम लोग अब जैसे कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है तो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल उसको कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कभी कोर्ट में जा रही है, कोर्ट केस हो रहा है, कई बार पेपर हमने देखा था एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट करा रही है, उसके बावजूद भी उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, तो बहुत सारे बच्चे बहुत दिक्कत में, सरकार कब तक ऐसे सोकर बैठी रहेगी, कब उठेगी जो आज की जनता है, अगर क्योंकि हम लोगों को पता है ना क्योंकि स्टूडेंट है उससे हम लोग हैं, अगर स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं होंगे, विद्यार्थियों का फेवर नहीं करेंगे, स्टूडेंट का फेवर नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी सपोर्ट, क्योंकि आज जो स्टूडेंट है वो नहीं वही कर लोगे बड़े होके, वो लोग कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ बैंक्स में करेंगे, कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाएंगे, कुछ टीचिंग में आएंगे कहीं ना कहीं, बट अगर उनको इस लेवल पर 20 साल 22 साल 24 साल की एज में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की भावना होगी, कहीं ना कहीं उनको जो भी वो एक्चुअली करना चाहते हैं उसमें इतनी ज्यादा रुकावटें आ गई, एक तो वैसे ही हम लोगों के पास एन नंबर ऑफ द ऑब्स्टिकल्स वी आर फेसिंग ड्यू टू सम सर्टेन फैमिली प्रॉब्लम, सर्टेन फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सर्टेन सोशल प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी अगर आप सरकारें भी अगर ऐसे दिक्कतें करेंगी एग्जाम कराने के बाद 5-5 साल 6-7 साल 7-7 साल 8-8 साल तक की, आप रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे तो कोई बताइए कैसे सर्वाइव करेगा मार्केट में। वो बात कर हम आपको कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, कैसे ऐसे ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया था 2014 में आया था, उसकी बहुत सारे सब्जेक्ट की नियुक्तियां, बहुत सारे सब्जेक्ट की अपॉइंटमेंट अभी तक के पूरे नहीं हो पाए, आप समझिए 6-7 साल का टेन्योर हो गया है लेकिन अभी तक की कई सारी भर्तियां ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में कई सारी ऐसी भर्तियां हैं 2012 से लेकर 13 तक की 12-13 की भर्तियां अभी तक की वो हिली हुई है। तो आप ये समझिए, अगर चुनाव की बात करते हैं हम लोग, अगर आप अपनी बात करते हैं राजनीतिक ढांचा की बात करते हैं तो हर 5 साल में चुनाव होता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन भी आप लेट नहीं करते हैं।
ठीक है। अगर आप चुनाव इतना एक इतना मास लेवल पे जो चुनाव होता है, अगर हम लोग आम चुनाव की बात करते हैं, जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, तो आप वो पूरा एक सावधानी से पूरे ठीक से करा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं एक एग्जामिनेशन छोटा जिसमें 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों का इंटरवेंशन होता है, उसमें इतनी बड़ी परेशानियां क्यों आती हैं? या तो आपकी इच्छा नहीं है करने की, या तो आप चाहते नहीं हो कि जो आज का यूथ है, जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पैसे खत्म करके पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्रियां कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप लोग बोलते हैं कि लोगों को यहाँ पर, जैसे कि हमारी कुछ दिन पहले सरकार ने बोला था कि वी हैव ए जॉब्स बट वी डोंट हैव द क्वालिफाइड कैंडिडेट। आई एम टोटली अग्री विद यू कि यू डोंट हैव द क्वालिफाइड कैंडिडेट, बट जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको आपने नौकरी दिया क्या? हम भाई अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे, हर 2011-12 के बाद जैसे ही आपने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन उसमें लेके आए, हम ऑब्जेक्टिव में लाए हैं, आप हर साल 60,000-70,000 हर 6 महीने में आप नेट क्वालिफाइड कर देना, साल भर में 1 लाख क्वालिफाइड नेट कर दिए, तो 9 से 10 साल की बात करेंगे करीबन करीबन 20 लाख 10 लाख 11 लाख लोग नेट क्वालिफाइड हो चुके हैं। ये केवल यूजीसी नेट की बात करें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें जो सेंट्रल कराता है, उसके बाद देश में 20-22-24 स्टेट ऐसे भी हैं जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करा रहे हैं, तो करीबन 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 45-50 लाख लोगों का हमारे पास डेटा अभी का आ गया जो बेरोजगार घूम रहे हैं। उसमें अगर आप पिछले 10 साल का हम RTI डालकर देख लीजिए, ये वीडियो पब्लिक फोरम्स पे डालेंगे, अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज कर दीजिए, पिछले 20 लाख लोग और 30 लाख 40 लाख लोग जो हायर एजुकेशन में बैठे हुए हैं, वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद लाखों लोग PhD करे हुए घूम रहे हैं, टोटल 50-60 लाख लोगों का मतलब ऐसा डेटा है जो हायर एजुकेशन में है, बट देर कहीं ना कहीं वो अभी तक की उनको रोजगार सरकार में नहीं मिल पाया। और टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 1 लाख वैकेंसीज भी पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन में नहीं भरी गई है। तो आप बताइए क्यों नेट का एग्जामिनेशन करा रहे हैं आप, क्यों SSC CGL का एग्जामिनेशन करा रहे हैं, क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? बात करिए आज से 10 साल पहले मुश्किल से 10-5 हम लोग उंगलियों में गिन सकते थे कि कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। आज स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करिए, 250-300 स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, 450-450 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गया, तो ये धंधा क्यों बना के रखा है कॉर्पोरेट? आपने धंधा बना के रखा है, जो बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है उसको आप डिग्री बांटने की आप सहूलियत दे रहे हैं, डिग्री बांटने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वो डिग्री बांटकर मार्केट में क्या कर रहा है? मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। बिकॉज इफ बेसिक इकोनॉमिक्स लो, अगर आप इकोनॉमिक्स के नहीं तब भी आप समझिए कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड मार्केट में नहीं है, आप डिमांड क्रिएट कर नहीं पा रहे, सप्लाई क्रिएट किए जा रहे हैं, तो एक बार डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, सप्लाई बढ़ती जाएगी मार्केट में क्या होगा? डिफ्लेशन, मंदी भाई हो रहा है। जैसे मैं अपना स्टोरी बता, 2014-15 में जब नेट की बात कर, जब हम एकेडमिक्स माना चाह रहे थे, तो उस समय नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर को प्राइवेट में 40,000-50,000 रुपया मिलता था। भाई आज की बात करें, सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, 20,000-15,000 में भी लोग नौकरी करने को तैयार है। ये केवल नेट की बात नहीं करिए, आप कितनी भी सरकारी नौकरियों की बात करिए, नौकरी आ नहीं रही है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में UPPCS की बात करते हैं, PCS आदमी कितना बच्चा पढ़ता है, हम लखनऊ में UPPCS और IAS की कोचिंग भी पढ़ा ही रहे हैं 3-4 सालों से। PCS का रिजल्ट 2016 में फॉर्म आएगा, 17 में पेपर होगा, 18 में मेंस होगा, 19, 20, 21 में कहीं रिजल्ट आता जाके, तो 5-5 साल 6-6 साल में इतनी ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूं। लोग UPPCS मतलब आप देखो ना, PCS लेवल की नौकरी में आप एक रेगुलर एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, एग्जाम कराए तो पेपर लीकेज हो गया, तो क्या किस तरीके से, व्हाट एक्चुअली यू जस्ट वांट? या तो सीधे सीधे बोल दीजिए कि वी कैन नॉट प्रोवाइड द गवर्नमेंट जॉब, आप सीधे बोल दीजिए सरकार अपने हाथ खड़ा कर ले कि हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जॉब, तो बच्चा कुछ ना कुछ अपना रोजगार का साधन देखेगा, प्राइवेट में नौकरी करेगा, अपना दुकान चलाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके ऊपर आश्रित, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपने बोला ना कि हम 2 लाख 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेंगे, 4 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेंगे, 5 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेंगे, तो उसी के चक्कर में लोग एक्सपेक्टेशन लगाते बैठे हैं। We people are keeping the an eyes on you and we are having some certain expectations. हमने आपको वोट दिया है, आई एम द बीजेपी सपोर्टर, हम सीधे बोलते हैं आई एम द बीजेपी सपोर्टर, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो बीजेपी सपोर्टर है जो आपको वोट दिया है उसके बाद भी वो मैनिपुलेट होता रहेगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे उसके बाद भी आपको हंद वक्त मतलब, और आपको ब्लाइंडली आपको कोई क्या करेगा, ब्लाइंडली कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो बहुत दिनों से ये हम वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन एक कैंपेनिंग चल गई, कई सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कई सारे मीडियम से मैसेज आ रहा है कि आप भी सब कुछ बोलिए इस पे और इस कैंपेनिंग में जुड़िए। तो ऐसे कब तक कि बच्चा अपनी हार मान के, बच्चा भी नहीं चाहता कि हम हार माने, 3 साल 4 साल 5 साल SSC में वो लग रहा है, मेहनत कर रहा है, वो चाहता है, क्योंकि उसके वो पीछे भी कई सारी सर्टेन दे आर हैविंग लिमिटेशन, उसके ऊपर की कई लिमिटेशन है, कई बहुत अलग अलग तरीके के दबाव पड़े हुए हैं, सोसाइटी का दबाव पड़ा हुआ है, पारिवारिक दबाव पड़ा हुआ है, आर्थिक दबाव पड़ा हुआ है, तो कब तक कि वो उन दबावों में रहेगा? तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि मतलब एक रेगुलर कुछ ना कुछ
क्योंकि बच्चे हार नहीं मानने वाले हैं। देखिए आज आज एक एसएससी के बाद एसएससी वाले बच्चे खड़े हुए हैं, कल यूपीपीएससी वाले खड़े होंगे, परसों बीपीएससी वाले खड़े होंगे। तो हर प्रदेश में भारत की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिन पे दिन मोदी गवर्नमेंट में लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आप लोगों को कोई गाली क्यों दे रहा है, सरकार को गाली क्यों दे रहा है? गाली उसी को देते जिससे उम्मीदें होती हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी हायर एजुकेशन की बात करेंगे, टीचिंग का बात करेंगे, नौकरी देने में आप पूरी तरह से फेल हो गए। सेल्फ डेवलपमेंट किया या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया, इज टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज। सब दुनिया के हर इंसान के अंदर दे आर हैविंग देयर ओन डिफरेंट स्किल्स, अलग अलग स्किल सेट होते हैं। दुनिया का हर इंसान रोजगार देने वाला नहीं बन सकता, व्यापार नहीं कर सकता, बट बी पीपल जस्ट वॉन्ट टू डू सम सर्टन गुड जॉब्स। दैट इज द ओनली रीजन कि आप वी हैव कलेक्टेड वेरी फ्यू प्रेस्टिजियस डिग्रीज, है ना, डिग्री कलेक्ट करके रखे हुए हैं कि चलो नौकरी आएगा तो। लेकिन हम अपनी बात बता रहे थे, 10-11 में पहली बार नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया, उसके बाद नेट जीआरएफ क्वालिफाई करते रहे मैनेजमेंट में, कभी इकोनॉमिक्स में, कभी एचआरएम में, तो अलग कॉमर्स में, अलग अलग स्ट्रीम्स में करते रहे। लोग बोले इसमें कर लीजिए, इसमें स्कोप है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने बोलते रहे, वैसे वैसे करते रहे। लेकिन आज भी 10 साल 12 साल के बाद भी हम आज अपना नहीं बता रहे, हम भी अपने पढ़ा रहे, तब से 8-10 साल से 400-500 बच्चों को नेट क्वालिफाई करा चुके हैं। बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हो रही है। नेट क्वालिफाइड की बात करिए, टेट क्वालिफाइड की बात करिए, हायर एजुकेशन की बात करिए, प्राइमरी सेक्शंस की बात करिए, कब तक बच्चा परेशान रहेगा? आपको कभी ना कभी जो डिसीजन लेना पड़ेगा, चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला कि एचआरडी से शिक्षा मंत्रालय कर देंगे, शिक्षा मंत्रालय से और कुछ कर देंगे, नया सरकार आएगी तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ कर देगी, बट नाम बदलने से हमको कुछ नहीं होने वाला। बट वी जस्ट वॉन्ट सम सर्टन पॉजिटिव रिजल्ट, सर्टन प्रोडक्टिव डिसीजन फ्रॉम योर साइड, ओके। लेकिन वो डिसीजन हमने पिछले 5 साल 2014 में जब हमने बात की, जब आपकी सरकार आई थी, बहुत उम्मीदें थी कि नया सरकार आया है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पे फोकस करेगी, चीजें रेगुलाइज होंगी, करप्शन कम होगा। लेकिन नौकरियों में करप्शन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। सीधा सीधा कई बार मेरे पास स्टूडेंट फोन करते हैं कि जैसे सरकारी नौकरी थोड़ी बहुत 2-4-10 नौकरी आती है, वो पहले से प्लान्ड होती है, पता होता है कि किसका लगना है, उन्हीं लोगों का फॉर्म पड़ता है, उन्हीं लोगों का इंटरव्यू होता है। तो ऐसे कब तक ही चलेगा, ठीक है? आप करप्शन भी खत्म नहीं कर पाए, इंप्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, विच इज एक्चुअली यू हैव फेल्ड टू गिव द सम सर्टेन इंप्लॉयमेंट, रोजगार में पूरी तरह से फेल हो गए। अब बात करिए 45 साल 50 साल का, तो डेटा हमको पता है, वो डेटा मैनिपुलेटेड है क्योंकि आई एम द इकोनॉमिक स्टूडेंट। मान लीजिए लोग कहते हैं 45 साल में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 45 साल में हाईएस्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी देश में है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। आज पढ़ा लिखा इंसान आपके सामने आकर डिजिटल कैंपेनिंग के थ्रू आपको कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लोगों में, देश के पढ़े लिखे युवा के लोगों में, यूथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आक्रोश है, कुछ ना कुछ सर्टेन दे आर हैविंग सर्टेन इश्यूज विद यू। तो ऑनरेबल गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड एजुकेशन मिनिस्टर, हम लोग पूरा आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू टेक सम सर्टेन डिसीजंस टू ओवरकम फ्रॉम दोज इश्यूज विच इज एक्चुअली रनिंग इन द मार्केट। क्योंकि बहुत दिनों तक ये लोग नहीं सहेंगे, कब तक कि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, कब तक कि जवाब दें फैमिली को, कब तक कि जवाब दें अपने स्टूडेंट्स हैं उनको, कब तक कि जवाब दें, तो बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं। तो आप प्लीज कुछ डिसीजन लीजिए, एक मंत्रालय में मीटिंग करिए, हमने बहुत सारे काम देखे हैं जो आप लोगों ने बहुत मैसिवली डिसीजंस लिए हैं, हम लोग उनको बहुत ज्यादा लोगों को बताते हुए कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन द सो मेनी मैसिव डिसीजन विच इज एक्चुअली नॉट, बहुत सब लोगों के बस का बात नहीं था, बट यू हैव टेकन दोस डिसीजन। हम लोग उसको बात करते हैं, हम लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, बट देर आर मेनी इशूज, क्योंकि अगर पढ़े लिखे इंसान के साथ टॉर्चर होगा, पढ़ा लिखा इंसान अगर एक्सपेक्टेशन होगा, तो समझ लीजिए देश नहीं चलेगा। और स्टूडेंट भी हार नहीं मानने वाला है। आज एसएससी वाला प्रोटेस्ट किया है, तो कल अलग वाले लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें हैं, आपने स्वयं उन्हीं की, क्योंकि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपकी पार्टी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने की आप बात करते हैं, तो वो बोलते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, बरदान नहीं मानूंगा पर कुछ भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी आई जस्ट वांटेड टू बी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर डिजिटल कैंपेनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।